हेलो बच्चों, सो इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ एज यू ड्रॉप क्लास 12th सॉल्यूशन का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर समझ लेंगे दिल से तो बहुत मजा आ जाएगा, अदरवाइज रटना कई बार पड़ जाता है। सो समझते हैं कि आपके एज यू ड्रॉप्स नॉर्मली है क्या। देखो, एज यू ड्रॉप्स को सिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा, कुछ 4-5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद हर एक लाइन को क्लियरली डिफाइन करूंगा, उसके बाद हम लोग ग्राफिकली इसको समझेंगे और इसके टाइप्स को भी क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, तो रेडी हो जाइए। एज यू ड्रॉप, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो दीज आर नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। पहला पॉइंट। दूसरा है इसका, ठीक है। So, दूसरा पॉइंट सिखाने से पहले अगर मैं पहले की ही बात कर दूं तो देखो क्या, ये नॉर्मली होता क्या है, ये लिक्विड मिक्सचर है। ये क्या है बच्चों? लिक्विड मिक्सचर है, ठीक, लिक्विड मिक्सचर। नॉन आइडियल यानी कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं अंडर एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, ये नॉन आइडियल, ठीक होते हैं। ये बाइनरी मतलब इनमें दो कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, और ये लिक्विड सोल्यूशन है। क्लियर, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन की बात करें तो एट सर्टेन कंसंट्रेशन, एट सर्टेन कंसंट्रेशन दे बिहेव एज प्योर लिक्विड्स। भाई इस पॉइंट का मतलब समझते हैं, बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट है इस एजियोट्रॉप को समझने के लिए। मतलब किसी एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे, सर्टेन कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट, ठीक है, किसी एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ ऐसे आपस में जुड़ चुके हैं कि दोनों प्योर लिक्विड की तरह काम कर रहे हैं। प्योर लिक्विड का मतलब बच्चों यहाँ पे ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इस कंटेनर में ए कॉम्पोनेंट है और इस कंटेनर में मेरे पास बी कंपोनेंट है, ठीक है। इसका अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट है और इस कंपोनेंट का अपना कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। लेट से इट इज 30 डिग्री है इसका, और लेट से इट इज 35 डिग्री है इसका, मान के चल लेते हैं, ठीक है। सो अलग अलग इनके क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो नॉर्मली अगर इनको मिला देते हैं आपस में, एक दूसरे से मिला देते हैं और एक सर्टेन कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं, ठीक है, एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे हुआ ये, ठीक है, सर्टेन कंसंट्रेशन, कोई पर्टिकुलर हो सकती है कंसंट्रेशन, अब हुआ ये कि प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं, प्योर लिक्विड का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं हीट करता हूं, ठीक है, मैं इसे हीट करता हूं तो उस कंसंट्रेशन पे यहां पे ए और बी ये दोनों अलग अलग पार्टिकल्स जो अलग अलग इनके अपने, मतलब ये आपका बॉयल होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे, बी बॉयल होगा आपका 35 पे, लेकिन नहीं, ये जो है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक साथ बॉयल होना चालू हो जाए। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर ये एक साथ बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक साथ वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अब ये जो मिक्सचर है, ये जो आपका सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर ए और बी एक अलग प्योर स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है ए का अलग बॉइलिंग पॉइंट और बी का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, अभी वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं, और इसीलिए यहां पे एक और पॉइंट अराइज होता है, और वो ये दे बॉइल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या नॉर्मली यहां पे ये कहें, ये नॉर्मली यहां पे ये कहें, दे आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इनका दूसरा नाम है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई अगर दोनों को मिलाया तो अभी भी तो ए का 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और बी कंपोनेंट का 35 पे, लेकिन एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे ऐसा नहीं होता,
ऐसा कुछ सिस्टम में हो जाता है, सिस्टम में ए और बी कुछ इस तरीके से आपस में मिल जाते हैं कि वो एक साथ वेपराइज होना चालू हो जाते हैं। मतलब ये लिक्विड ना तो 30 डिग्री सेल्सियस और ना ही 35 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग कंपोनेंट का शो करेगा, इसका एक अलग ही अपना सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट होगा अलग, जिसपे दोनों पार्टिकल्स एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ दे बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और यही कारण है, कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ हर एक प्योर लिक्विड का अपना एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस लिक्विड का भी अब जो कि प्योर की तरह है तो सोल्यूशन, बट एक प्योर लिक्विड की तरह काम करने लगा, तभी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एज़ियोट्रॉप का मतलब भी यही होता है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अच्छा, अगर अगले पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, तो ऐसा यहाँ पे इस सर्टेन कंसंट्रेशन पे एक और पॉइंट है, दे शोज सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज एंड इन वेपर फेज। इसका मतलब क्या है कि भाई लिक्विड फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों सेम हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये लिक्विड पार्ट है और यहाँ पे ये वेपर है, तो अगर वेपर्स को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, और पता लगाया जाए कि यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है और लिक्विड के अंदर सॉलिड एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो बता लगता है कि दोनों में ही कॉम्पोजिशन सेम आता है। सेम इन द सेंस कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन और ये लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन, या यूं भी लिख सकते हैं हम बी के लिए भी ये बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है बच्चों। सो अब देखो यहां पे एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता हूं, लास्ट बहुत ही मस्त पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद देखो ग्राफ से आपको ये चीजें समझाता हूं, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में, मतलब उस कंसंट्रेशन पे जिस पे हमारा लिक्विड एक प्योर लिक्विड की तरह काम करने लगा है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर शो कर रहा है, साथ ही साथ सेम कॉम्पोजिशन हो गया लिक्विड और वेपर फेज में, ठीक, तो ऐसे केस में अगर मैं उस स्टेज में ए और बी कंपोनेंट को अलग करना चाहूं तो अलग नहीं होंगे, वो सिस्टम में ए और बी एक साथ वेपराइज होंगे, उस टेम्परेचर पे एक साथ वेपराइज होंगे। तो अब एक साथ अगर वेपराइज होंगे तो जब उनको अलग करोगे, कूल करके उनको कंडेंस करोगे, कहीं ना कहीं अगर सेपरेट करोगे, जिसको सिंपल डिस्टिलेशन तौर पे आप अगर करेंगे, थोड़ा क्लोज है बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऐसे केस में भी ए बी इकट्ठा जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं एट दैट सर्टेन कंसंट्रेशन, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट के उस टाइम पे जो अमाउंट है, दैट कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्टिलेशन से तो किसी भी हालत में ये सेपरेट नहीं होंगे, इवन अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएं तो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है नॉर्मल डिस्टिलेशन से, जो वेपराइज होंगे तो पार्टिकल तो एक साथ वेपराइज हो रहे हैं, तो ऐसे में तो सिंपल वाला तो कोई काम भी नहीं कर सकता, फ्रैक्शनल वाला भी इस टाइम पे कोई भी काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिकल एक साथ वेपराइज होंगे। तो यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे कोई इस तरीके से यूट्यूब टाइप ये लगाते हो तो यहाँ पे एक साथ ही वेपराइज होकर
आगे की तरफ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं दोनों को हम सेपरेट ए और बी को इस सर्टेन उस कॉम्पोजिशन पे जहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक आपका सॉल्यूशन शो करने लगा, ये बिहेवियर शो करने लगा है आपका सॉल्यूशन, तो ऐसे केस में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेशन नहीं कर सकते। तो बच्चों ये पांचों पॉइंट जो है आप अच्छे से अपनी कॉपी में पहले लिखें और यही पॉइंट्स एजियोट्रॉप को डिफाइन करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं बच्चों। तो इसी चीज को हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम से समझते हैं, तो जल्दी से इसे हटाइए, लिक्विड वेपर डायग्राम। तो देखो हम लोग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम सीखने वाले हैं जिसमें मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एजियोट्रॉप के टाइप कितने हैं और किस तरीके से वो टाइप डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, टाइप हमें पता है दो नॉर्मली होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम। तो उनको समझने के लिए मैं यहाँ पे तीन ग्राफ बनाऊंगा, एक तो आइडियल सॉल्यूशन का बनाऊंगा जिसमें हमें पता है कोई भी एजियोट्रॉप मतलब एजियोट्रॉप बनता ही नहीं है, ठीक है, और हमें दो टाइप और पढ़ने हैं जिसमें हमने एक पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ कंसीडर करेंगे और एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो टाइप वन स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो दो कंपोनेंट हमारे सिस्टम में, ध्यान से देखिएगा, ये मैं ग्राफ टू कंपोनेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, ये मान लो हमारा बी कॉम्पोनेंट है और ये हमारा यहाँ पे ए कॉम्पोनेंट है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, यानी नॉर्मली जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन, लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन की लाइन के लिए आ जाएगा ये। ठीक, ये लाइन हम बना देते हैं डार्क। ठीक, ओके, सो मान लीजिए प्योर बी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इस जगह है। ठीक है, बी का प्योर बॉइलिंग मतलब प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे ए का बॉइलिंग पॉइंट मान के चल लेते हैं इस जगह पे प्योर स्टेट में। अब प्योर स्टेट में तो आप सबको पता है इसका काई भी यहाँ पे 1 होगा, ये काई ए इसका 0 होगा, यानी कि इनके अमाउंट 100% प्योर होगा बी, और यहाँ पे 100% प्योर ए और बी यहाँ पे 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कहानी। आपका लिक्विड सॉल्यूशन तैयार, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन तैयार है। मान के चलो कि यहाँ पे इस स्टेज पे इस कॉम्पोजिशन पे आपने क्या किया हुआ है, आपने बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन तैयार किया हुआ अपने सॉल्यूशन का और बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना। ठीक है, तो इस कॉम्पोजिशन पे आपने अपने लिक्विड को हीट किया, तो एक टाइम ये मान लो ऐसा आया जहां पे इस पे जाके वो इस टेम्परेचर पे वो हीट होना चालू हो गया। मान के चलो इस टेम्परेचर पे वो हीट इन द सेंस बॉइल होना चालू हो गया, तो इस वाले पॉइंट को मैं कंसिडर करके चल लेता हूँ, इट इज वाई। ठीक है, वाई पॉइंट मान के चल लेता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने वाई पॉइंट मान लिया, या फिर कोई भी आप दूसरा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम वाई ना बोल के, क्योंकि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो पी पॉइंट है यानी ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। अब जब उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा तो उसके जो वेपर बने ना, उन वेपर को अलग करके उन्हें इकट्ठा करके उन्हें कंडेंस्ड कर लो। अब वहां पे चेक करो कि उसमें कॉम्पोजिशन क्या रहा, तो जब उसमें पता लगेगा कि कितना ए का पार्ट है और कितना बी का पार्ट, तो मान के चल लो कि उसका कॉम्पोजिशन यहां पे ये आया। ठीक है, वेपर फेज में कॉम्पोजिशन ये आया, मान के चलो इस तरीके से ये वेपर फेज में कॉम्पोजिशन, और इसको मान लेते हैं एक्स वन लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन, ये मान लेते हैं वाई वन वेपर फेज में। अब मैं वापस बता रहा हूँ आपको, लिक्विड को हीट किया, बॉयल हुआ एक टाइम पे, जितने वेपर्स बने उस टाइम पे उनको हटाओ, अलग करो, सेपरेट करो और फिर से पता लगाओ कि उसमें कॉम्पोजिशन कितना, भाई वेपराइज हुआ है, अब वेपर को कलेक्ट किया, कंडेंस्ड किया और वहां से पता लगाओ ए और बी कितना है। तो मान के चलो कि ए और बी का जो वेपर फेज कॉम्पोजिशन है वो ये वाला यहाँ पे है, इस इतना मोल फ्रैक्शन वाई वन लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने वाई वन। अब जरा देखो, एक और बार हमने किया, मान लो एक और बार हमने यहाँ से ट्राई किया इस जगह से। ठीक है, एक और बार हमने यहां से ट्राई किया, इस जगह से ट्राई किया। ठीक है बच्चों, तो इस वाले केस की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से रहेगा ये। इस वाले केस में कुछ बॉइल करेंगे, तो मान लो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट आए, लेट से इस मोल फ्रैक्शन पे, इस कॉम्पोजिशन पे हमारा लिक्विड यहां बॉइल हुआ और इसका बॉइलिंग पॉइंट ये रहा। ठीक है, टी क्यू मान लेते हैं इसको। ठीक है, और अब वहां जो वेपर निकले उनको फिर से कंडेंस करो, इकट्ठा करो, ठंडा करो और ये
यहाँ पे सपोज इसका वेपर फेज है, तो यहाँ पे वेपर फेज का कॉम्पोजिशन ये कहीं अलग है, ये एक्स टू मान लो, ये वाई टू मान लो, तो यहाँ पे लिक्विड और वेपर का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। मैं इन जब सभी पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और जहाँ पे ये मिलेंगे बच्चों उस पॉइंट को हमें टी ए मानना पड़ेगा। अभी ऊपर माना था, हमको नीचे करना पड़ेगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से। दूसरा ये ऐसा, ठीक, ये देखो, ये जो लाइन है, जो ऊपर वाली लाइन है, ये वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ठीक है, और ये वाली लाइन है जो ये वाली जो लिक्विड, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और इवन इस लाइन के नीचे लिक्विड फेज है और उस लाइन के ऊपर वेपर फेज है। तो ये ग्राफ जो बना है आप ये देख पा रहे हैं ना। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा पॉइंट, किसी भी पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में देखो लिक्विड का फेज कॉम्पोजिशन, मतलब यहां से देखो लिक्विड फेज का इतना कॉम्पोजिशन है, उस पे वेपर फेज कितना, इतना, क्या दोनों बराबर है? नहीं। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन ये रहा और उसी पे वेपर फेज का कॉम्पोजिशन। अब तुम ग्राफ को बना करके इसको बड़ा आसानी से सिखाया जा सकता है कि ग्राफ में किसी भी पॉइंट में, मान लो ये पॉइंट की बात करो तो इस पे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इतना है और आगे जाओगे तो मोल फ्रैक्शन अलग है। कहने का मतलब कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे लिक्विड और वेपर फेज का कॉम्पोजिशन सेम हो। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ इस टाइप के मतलब सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड एंड वेपर फेज शोज डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट कॉम्पोजिशन। क्लियर बच्चों? मतलब हर एक स्टेज पे अलग अलग कॉम्पोजिशन शो कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे अगर देखा जाए इस वाले केस में नो एजियोट्रॉप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब भाई जब किसी स्टेज पे है ही नहीं लिक्विड और वेपर फेज का कॉम्पोजिशन सेम होना जरूरी है, जब नहीं है किसी भी स्टेज पे बराबर एक जैसा लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन, तो एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगली बात, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर मतलब फोर सच सॉल्यूशन कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन at any composition। तो ये वाली बात हुई किसके लिए, हमारे आइडियल सॉल्यूशन के, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के ए और बी कंपोनेंट को आप किसी भी कंसंट्रेशन पे सेपरेट कर सकते हो डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करके। ठीक है बच्चों, तो ये वाला ग्राफ अगर क्लियर हुआ ना तो उसी के बेसिस पे बाकी दो ग्राफ बड़े ही आसान है। तो जल्दी से इस पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को क्लियर कर लो और ग्राफ को भी नोट कर लो। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लें, ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपने कर लिया होगा नोट, अब मैं देखो आपको सिखाता हूं इसी ग्राफ को देखते हुए ये दोनों ग्राफ इजीली हो जाएंगे। अब देखो, मैं इस वाले पॉइंट को समझाता हूं, पॉजिटिव डेविएशन वाले को ध्यान देना, पॉजिटिव डेविएशन को। अभी पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो आइडियल वाली लाइन है आपको शायद याद होगा किस ग्राफ को थोड़ा इधर की तरफ समझा देता हूं। आपने रॉल्स लॉ जब पढ़ा होगा तो रॉल्स लॉ में कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाए होंगे, ऐसे ऐसे, तो जो लाइन अगर ऊपर की तरफ जाती है, ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन है जो थी, ये रॉल्स लॉ वाली थी, लेकिन जब वेपर प्रेशर उन लाइनों से ऊपर की तरफ आए तो वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, याद है सबको। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, एक्चुअल वाले से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये वाले पॉइंट तो जरूर याद होगा कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उसके वेपर प्रेशर के इनवर्सली होता है, मतलब अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। तो जब ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं इस चीज को, ग्राफ कुछ यूं बनेगा बच्चों इसका,
लिक्विड वेपर फेज का मतलब जिस तरीके से ये सीखा वैसे ही आपको अभी अगला सीखना है। देखो अब हुआ ये कि ये बी कंपोनेंट है और ये आपका ए कंपोनेंट। इसका ग्राफ मैं डायरेक्टली आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। देखो वेपर प्रेशर बढ़ा ना बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हुआ। तो देखो मैंने यहाँ पे ए कंपोनेंट का ये रहा मतलब सॉरी बी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से। और यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है ना बच्चों, वो देखो मैंने कैसे दिखाई है, आपके लिए बहुत अलग होगा ये, ध्यान से देखिएगा। देखो ये नीचे वाली लाइन जो है वो लिक्विड फेज वाली है, ठीक है, और जो ऊपर वाली लाइन है ये वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, सारे कैप्शंस सेम रहेंगे, ठीक है बेटा, हाँ, तो यहाँ पे इस मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिक्विड फेज इस वाले मतलब लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन ये है, इस पॉइंट इस कंसेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इस कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन ये, तो वेपर का पता है कहाँ जाएगा, वेपर फेज का कॉम्पोजिशन ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये लिक्विड का है, सॉरी ये अगर वेपर का है तो ये लिक्विड वाला है। लेकिन अब इधर उधर ना भटकाते हुए तुम्हें मैं एक लाइन दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट बताओ, इस पॉइंट को देखो जरा, इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों सेम होंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब इन वेपर फेज, ये दोनों बराबर। भाई मैंने ग्राफ इसी के बेसिस बनाया, अगर ग्राफ इस तरीके से होता है तो वो आपका कौन से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, आइडियल को। लेकिन ग्राफ में कहीं पे दोनों फेज अगर एक जगह मिल रहे हो तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन आइडियल को, और ऐसे केस में नॉन आइडियल तो है बट उस जगह पे इस कंसेंट्रेशन पे ये वो सर्टेन कंसेंट्रेशन है, ये वो सर्टेन कंसेंट्रेशन है बच्चों जहां पे दोनों फेजेस का कॉम्पोजिशन सेम है, ये सर्टेन कंसेंट्रेशन है, दोनों फेजेस का कॉम्पोजिशन सेम मतलब इस कंसेंट्रेशन पे एजियोट्रॉप बना, इस कंसेंट्रेशन पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके ए और बी मतलब सॉरी बी और ए को अलग नहीं कर सकते, क्लियर है बच्चों, ये वाली कंसेंट्रेशन इस पे। हाँ बाकी इससे पहले इसके बाद एजियोट्रॉप नहीं है, वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जरूर है बट एजियोट्रॉप किसी एक सर्टेन पॉइंट पे ही बनता है, क्लियर बच्चों। तो ये हुई बात, और अब ये कौन सा है मतलब अगर पूछा जाए तो ये नॉन आइडियल का तो है लेकिन ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल तो दिया है बट इसको एजियोट्रॉप में नाम क्या दिया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ, इट शोज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब भाई देखो प्योर बी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना और प्योर ए का इतना, तो जो आपका एजियोट्रॉप जिस जगह बना है, जिस जगह एजियोट्रॉप बना है बच्चों, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखो इधर से इसके और इसकी वैल्यू से दोनों की वैल्यू से नीचे है, मतलब ए और बी कंपोनेंट से भी नीचे। जब जब कभी ए और बी दोनों कंपोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका लिक्विड मिक्सचर शो करता है तो उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, आई बात समझ, मतलब पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो कौन सा एजियोट्रॉप बनाते हैं बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्लियर है बच्चों, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका सेंस मतलब इसका जो सेंस बनता है वो यही कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोथ कॉम्पोनेंट, दोनों कॉम्पोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट है, क्लियर, इसका मतलब ये। और अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एट दिस कंसंट्रेशन द कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्लियर बच्चों, एट सच कंसंट्रेशन ए एंड बी कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्लियर बच्चों, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्यों, क्योंकि दोनों का
लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम हो गया है, एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर इस जगह पे बना चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी के बेसिस पे उसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो। हाँ बच्चों, तो देखो इसका ग्राफ बनाता हूँ अब उसी के बेसिस पे। देखो थोड़ा लाइन टेढ़ी होगी, इसको सीधा ग्राफ, ये रहा ग्राफ बनाते। अब इसका ग्राफ, क्योंकि देखो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है भाई, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब होता है कि वेपर प्रेशर एक्चुअल वाले से कम हो गया, यानी कि जो ओरिजिनली आइडियल के केस में था वेपर प्रेशर डाउन है। अब वेपर प्रेशर डाउन है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन जिस तरीके से बी कॉम्पोनेंट का ये था, ए कॉम्पोनेंट का ये था, ये एक्चुअल में ए कंपोनेंट का ये था, ऐसा करके देखो सभी केसेस में। अब यहाँ जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो कुछ ग्राफ थोड़ा सा अलग है, और वो ग्राफ ऐसा बन रहा है, देखो देखो ध्यान से देखना। इसमें बनेगा ग्राफ, हाँ बच्चों ठीक है। तो देखो क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट इस बार बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना वेपर प्रेशर घटने की वजह से, तो ये हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे इस बार। और अब सेम सब कुछ, सारे कैप्शंस देखो सेम है, वो बिल्कुल सेम रखना। तो अब इसका वेपर फेज वाला पॉइंट ये रहा, तो इसका लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन का पॉइंट देखो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, मतलब एक जगह हम लोग शो कर रहे हैं बच्चों, एक ऐसा पॉइंट हम दिखा रहे हैं जहां पे लिक्विड और वेपर फेज का कॉम्पोजिशन सेम हो, मतलब यही वो पॉइंट हुआ, ये वो पॉइंट है। यानी कि अगर इसका, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन सी से रिप्रेजेंट कर दें इस पॉइंट को, तो ये वो कॉम्पोजिशन है, ये वो सर्टेन पॉइंट है जहां पे आपका लिक्विड, जो आपका लिक्विड ए एंड बी है, जिसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे लिक्विड एंड वेपर फेज में जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो सेम हो रहा है। ठीक बच्चों, तो दोनों कॉम्पोनेंट्स को इस पॉइंट पर सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का फेज लिक्विड वेपर फेज का सेम आ रहा है यहाँ पे, तो बस होगी बात खत्म। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात ये कि यहाँ पे इस फेज पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है देखो, वो दोनों से ज्यादा जा रहा है, मतलब इस वाले से भी ज्यादा है और इस वाले से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम क्लियर करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस ग्राफ के लिए, यानी कि ऐसा ग्राफ अगर बने कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ अगर जाए बॉइलिंग पॉइंट आपका इसका, ठीक है, हम ऊपर की तरफ रहे, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपने मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप लिखा था, ये यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप को शो कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप को शो कर रहा है, ठीक है। और इसका एक और सेंस बनता है, जैसे यहाँ लिखा है ना कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोथ द कंपोनेंट, ऐसे ही यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों कंपोनेंट से ज्यादा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इस जगह पे जाएगा, है ना, इस जगह पे रहेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ बताया जाए तो सेम लिक्विड एंड, मतलब यहाँ पे इस सी कंसेंट्रेशन पे लिक्विड एंड वेपर एट सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो लिक्विड और वेपर फेज का कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज हैज सेम कॉम्पोजिशन, हैज सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है बच्चों, लिख देना इसे प्रॉपर। अब हो गया पार्ट पूरा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस केस में भी हम सेपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर नॉर्मली अलग अलग, देखो नेगेटिव वाले में अलग एग्जांपल हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले में अलग एग्जांपल हो सकते हैं, बट आप ग्राफ को देख करके ये चीज पता लगा सकते हैं कि किसमें, किस वाले केस में कोई एज़ियोट्रॉप नहीं है ना, इसमें आपका कौन सा वाला एज़ियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप, और दोनों से बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा तो मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉप, ठीक है। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख करके आप लोगों ने अगर लॉजिकली पार्ट सीखा तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।